जाते हुए आशिक की क्या गुफ्तगू है अपने माशूक से, आखिरी रस्म है ये निभा दीजिए। मेरी मैयत को कांधा, आवाज नहीं आई, लगा दीजिए। आखिरी रस्म है ये निभा दीजिए, मेरी मैयत को कांधा लगा दीजिए। यार की यारी का है तकाजा यही, यार उठे तो फौरन मना लीजिए। मत निकाल मुझे। ये प्रोग्राम बाबू साहब रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। देखने की बात ये है कि कोई दिल को शीशा कहता है, कोई एक घर कहता है, लेकिन मैंने अपने महबूब के दिल को हवेली बना दिया। ये देखिए बड़ी बात है। मैं आईना हूं तेरा, प्यार का संभाल मुझे। मैं आईना हूं तेरा, प्यार का संभाल मुझे। मैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शेर सुन लग रहा है। वो रिश्ता तोड़ गया मुझसे बेवफा कहकर, वो रिश्ता तोड़ गया मुझसे बेवफा तोड़ गया मुझसे बेवफा कहकर। तमाम तमाम उम्र रहेगा यही मलाल मुझे। तमाम Oh,
डाडा की शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आप बाजा लेके इस तरफ हो गए ना, थोड़ा पीछे कम से कम देखता रहूंगा कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ठीक है। तचना काम है इतना रहे ख्याल, हम रिंद तिशना काम है इतना रहे ख्याल, हमसे खुदारा शेख जी उलझा न कीजिए, ये जंग का उसूल नहीं बुजदिली है, ये खंजर किसी की पीठ में खौपा ना कीजिए। तमाम डाडा वो आदत है इनकी, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है इस इलाके में जब तक मेरे साथ ममू डाडा रबू डाडा हैं, चांद कादरी सीना तान के चलता रहेगा। तमाम ऑडियंस को सुनाने के लिए कह रहा हूं, हंसी मजाक समझिएगा या मेहनत समझिएगा, क्या वफा पैकर हैं, गैरों से कभी यारी नहीं करते। ममू डाडा वफा पैकर हैं, गैरों से कभी यारी नहीं करते, कबीले वालों से हम लोग खत्तारी नहीं करते, कबीले वालों से हम लोग खत्तारी नहीं करते, और ये याद रहे मुकाबिल में जो आएगा हमें तैयार पाएगा, मुकाबिल में जो आएगा हमें तैयार पाएगा, कभी हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। और जो विचार मिश्र जो बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं करते और जबी पर सजाए फिरते हैं सजदों के निशान, अकीदत नहीं नबी पाक से, मांगते हैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से। चार मिसरे बला से जान जाती है तो जाए गम नहीं उसका, बला से जान जाए, बला से जान जाती है तो जाए गम नहीं इसका, मुसीबत में भी हम नीलाम
खुददारी नहीं करते, दिखावे की इबादत भी भला कोई इबादत है? दिखावे की इबादत भी भला कोई इबादत है? तेरी तेरी तरह से जाहिद हम रियाकारी नहीं करते। बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जमाना जमाना प्यार का मुझको भी याद आता है। हकीकत है कि हम वफा करते हैं लेकिन दूसरा जफा करता है, लेकिन फिर भी हम उन दिनों को वफा वफा में ही ढालते हैं। हकीकत ये है जो बयान कर रहा हूं, जहर आलूदा वो मेरी जिंदगी मेरी जिंदगानी याद है। जहर आलूदा वो मेरी जिंदगानी याद है, दोस्तों की वो इनायत मेहरबानी याद है। मैं नहीं भूला अभी तक जिसमें घोला था नमक, कि जहर आलूदा वो मेरी जिंदगानी याद है,
दोस्तों की वो इनायत मेहरबानी, याद है मैं नहीं भूला अभी तक जिसमें घोला था नमक, तूने जख्मों पे जो छिड़का था वो पानी, याद है याद आता है चुभने लगे नश्तर जैसे, फूल चुभने लगे नश्तर जैसे, खून पीने लगे खंजर जैसे, खून पीने लगे खंजर जैसे, एक तामीर वफा की खातिर दिल तराशे गए पत्थर जैसे, याद आता है कोई सुनाता है जब, कोई सुनाता है जब अपने दिल का हाल मुझे, कोई सुनाता है जब अपने दिल का हाल मुझे, कोई तेरे बगैर सफर तय करेगा दिल कैसे, तेरे बगैर सफर तय करेगा दिल कैसे, तेरे बगैर सफर तय करेगा दिल कैसे, कदम 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 पे सताता है ये सवाल मुझे, कदम कदम पे सताता है ये सवाल मुझे, कदम कदम पे सताता है ये सवाल मुझे, कदम शेर तो सुनना बहुत हसीन शेर है, क्या बात है, तैयार रहो गाने के लिए, के लगा है जख्म, शेर कह रहा हूं, लगा है जख्म मुझे और उसे हुई तकलीफ, लगा है जख्म मुझे और उसे हुई तकलीफ, प्यार करते हैं हमारे मम्मू दादा निजामुद्दीन सरकार से, मैं बयान नहीं कर सकता, और यही हालत हमारे अबू दादा की है, सरकार के पीले वाले बाबा में वो किस तरह पड़े रहते हैं ये आप सभी और हम जानते हैं, हकीकत है, ये ना समझे दादा, ये ना समझे आप कि ये सब खबर उन्हें नहीं है, अगर आपको तकलीफ है तो सरकार समझते हैं इसको, शिव सुनिएगा, लगा है जख्म मुझे और उसे हुई तकलीफ, लगा है जख्म मुझे और उसे हुई तकलीफ, बताओ प्यार की इससे, बताओ
यार की इससे बड़ी मिसाल मुझे बताओ क्या रुकी इससे बड़ी मिसाल मुझे शुक्रिया डाला शुक्रिया बताओ क्या रुकी इससे बड़ी मिसाल मुझे बताओ प्यार की इससे बड़ी मिसाल मुझे बताओ पर उनकी जिंदगी पर सुना रहा हूं जरा सुनिएगा सुने मोहब्बत की उजाले मोहब्बतों के उजाले तवज्जो मोहब्बतों के उजाले यही मोहब्बतों के उजाले यही काम आए हैं मोहब्बतों के उजाले यही तो काम आए यही काम आए हैं मोहब्बतों के उजाले यही तो काम कैद कर सका नफरत न कैद कर सका नफरत का कोई जाल मुझे न कैद कर सका नफरत का कोई जाल न कैद कर सका नफरत का कोई जाल गजल का ये आखिरी शेर मक्ते का शेर है लेकिन मैं अल्लाह ताला सरकार हजरत निजामुद्दीन औलिया सिराजी डाडा दातराना के शहंशाह के दरबार में सभी मुरीद डाडा से ये हसरत रखते हैं कि हमारे मम्मू डाडा अबू डाडा हमेशा खुश रहें और हमेशा रहमत बरसती रहे इन पर यही सोचते हुए ये आखिरी शेर क्या कह रहा हूं और ये मेरा कहना नहीं है ये अबू डाडा और मम्मू डाडा का कहना है क्या कहना है जरा सुनिएगा किसी फकीर का दस्ते करम मेरे सर है किसी फकीर का दस्ते करम मेरे सर है किसी फकीर का दस्ते करम मेरे
अवसर है। नसीम छू नहीं सकता, नसीम छू नहीं सकता कभी सवाल मुझे। नसीम छू नहीं सकता। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नसीम छू नहीं सकता, नसीम छू नहीं सकता कभी सवाल मुझे। नसीम छू नहीं सकता कभी सवाल। नसीम